नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने परिवार एनडी क्लासेस में। साथियों, आज हम लोग पढ़ेंगे दशमलव से रिलेटेड जो भी आप लोगों की समस्याएं हैं, उन समस्याओं को कम करने की कोशिश करेंगे। यानी कि दशमलव का जोड़ना, दशमलव का गुणा, दशमलव का भाग, दशमलव का घटाना और साथ ही में दशमलव का स्क्वायर कैसे निकालते हैं, उन सारे सब्जेक्ट की, उन सारे विषयों की चर्चा आज करेंगे हम लोग। तो आइए बिना देर किए हुए शुरुआत करते हैं सीधा, कम समय में ज़्यादा कंटेंट देने की कोशिश करेंगे। होता क्या है, आपको अगर दशमलव का भाग या दशमलव का गुणा करना हो तो कैसे करेंगे, देखो ज़रा। शुरुआत करते हैं एक बेसिक से क्वेश्चन से। जैसे मैंने आपको ये दे दिया है 13.22 प्लस में आपको करना है मित्र 8.134। आपको ये चीज़ जोड़नी है। देखिए, शून्य से शुरुआत करेंगे, आप अंत तक रुके रहिएगा। अंत तक जब आप वीडियो को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपने कितना कुछ सीखा है नया। मैंने ये एक सिंपल सा क्वेश्चन लिया है कि 13.22 और प्लस 8.134 को अगर हम जोड़ेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या निकल के आएगा। तो पहली बात तो आपकी ये है, आप ये समझिएगा कि हम जोड़ेंगे तो किस स्टाइल से जोड़ेंगे। जोड़ने का तरीका हमारा ये रहेगा साथी कि आप करेंगे ये, आप दशमलव के सामने दशमलव को लगाइएगा। आपने क्या सुना है कि दशमलव के सामने दशमलव लगाइएगा। अब दशमलव से पहले कौन सा अंक है, 8 है, तो केवल 8 है, केवल 8 को आप ऐसे ही लिख दीजिएगा। उसके बाद कितने अंक आ रहे हैं, आप कहेंगे 1, 3 और 4 आ रहा है। ठीक है साथी, थोड़ा सा प्लस के निशान को हम उस साइड पर बढ़ा देते हैं, ये प्लस का निशान ऐसे मान लीजिएगा है। ठीक है, जब आप जोड़ेंगे 13.22 में 8.134 को, देखिए दशमलव के बाद बोलने के जो अंक होते हैं वो एक एक करके बोले जाते हैं, लेकिन आप कंपटीशन के छात्र हैं, आप एक एक करके नहीं भी बोलेंगे तब भी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। देखिए, अब जब जोड़ेंगे इनको तो इसके सामने कुछ भी नहीं, तो आप जीरो मान लीजिएगा। यानी यहाँ से आएगा 4 और 3 2 5, यहाँ से आ जाएगा कितना आपका 3, और यहाँ से आपका हो जाएगा 8 3 11, हासिल लगा 1, 1 और 1 कितना हो जाएगा 2। यानी कि इसका आंसर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा साथी 21.354। उम्मीद कर रहे हैं कि आपको समझ में आया होगा। एक सवाल और हम आपको दे रहे हैं ताकि आपका दशमलव का जो जोड़ है वो क्लियर हो जाए। देखिएगा ज़रा, अपने मन से ही लगाइएगा इसको। दो ही सवाल देंगे कैटेगरी के, जैसे मैंने आपको दे दिया है 105.5 प्लस का निशान साथ में लगा लीजिएगा, ऐसे आपको जोड़ना है। ये जोड़ के बताइएगा कितना आएगा। तो आपको कुछ भी नहीं करना, ये वाली वैल्यू इसमें जोड़नी है, तो दशमलव के नीचे दशमलव का निशान लगाओ, 5, 4, 6 दशमलव के बाद के अंक लिख लिए, दशमलव से पहले के अंक जो हैं वो 8 और 7 हैं, जोड़ दीजिएगा साथी। तो आप कहेंगे 9, 6, 15 की 5, हासिल लगा 1, साइड में लिख लीजिएगा 5, 4, 9 और 1, 10, हासिल लगा 1, 8, 5, 13 और 1, 14, हासिल लगा 1, 7, 5, 12। अब दशमलव लगा दीजिएगा। देखिए, जोड़ में होता क्या है कि जितने अंक बाद ज़्यादा दशमलव होता है, जैसे कि पीछे वाले सवाल में अभी हमने देखा था 2 अंक बाद दशमलव था, 1 जगह 3 अंक बाद दशमलव था, तो हम करेंगे क्या, जितने ज़्यादा अंक बाद दशमलव होता उतने ही ज़्यादा अंक बाद आपका दशमलव लग जाएगा। आशा कर रहे हैं हम आप हमारी बात को समझ पाए होंगे, अगले क्वेश्चन में और क्लियर कर लेंगे। 7, 5, 12 और 1, 13, हासिल लगा 1, 8 में 0 को जोड़ेंगे तो और 1 हासिल थी 9 हो जाएगा और 1 ये रह जाएगा। तो आप कह देंगे सर 193.405 आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला वाला सवाल देखिएगा ज़रा। देखो, जो हम अभी आपको बात बता रहे थे वो वाली बात यहाँ पर प्रूफ हो जाएगी। जैसे मैंने आपसे कहा है कि आप 82 में जोड़ना है आपको 85, इतना जोड़ना है आपको। तो अभी आप कहेंगे सर यहाँ पर दशमलव के बाद 2 अंक हैं और यहाँ पर दशमलव के बाद 4 अंक हैं। अब हमारे ये नहीं समझ में आ रहा है कि दशमलव के बाद हम 4 अंक रखें या दशमलव के बाद 2 अंक रखें। तो आपको कुछ भी नहीं करना होता है, मैंने आपको ये बताया कि प्लस में जो होता है दशमलव के बाद जितने ज़्यादा अंक होते हैं उतने ही अंक दशमलव के बाद लग जाते हैं। जैसे आप देखिएगा ज़रा, यहाँ पर 5 आ जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा, यहाँ पर 0 2 को जोड़ोगे तो 2 ही रहेगा, 1 1 को जोड़ोगे 2 हो जाएगा। अब आप दशमलव लगा दीजिएगा, 5 2 7 हो जाएगा, 8 8 16 हो जाएगा, कुल मिलाकर आप कह देंगे सर 167.22 आपका आंसर हो जाएगा।
उम्मीद कर रहे हैं कि आपको समझ में आया होगा। अगला सवाल देखिएगा, दशमलव से रिलेटेड जो भी समस्याएं होती हैं कोशिश करेंगे आज के वीडियो में समाप्त हो जाएं। देखो अच्छा, अब गुणा वाला देख लेते, प्लस वाला हम लोगों ने देख लिया, अब हम देखेंगे मल्टीप्लाई वाला। जैसे मैंने ये कहा कि 28 में मल्टीप्लाई बाई 284 में मल्टीप्लाई बाई आपको करना है 2.84 मल्टीप्लाई बाई, ज़्यादा लंबा गुणा ना लें तुमको गुणा करने में भी दिक्कत आएगी, जैसे मैंने ले लिया है 1.5 का, 2.84 में मल्टीप्लाई करना है 1.5 का। तो देखो अभी आप थोड़ी देर के लिए भूल जाओ कि हमारा दशमलव का निशान लगा हुआ है, थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, आपको मल्टीप्लाई करना है 284 के साथ 15 का। जब 284 के साथ 15 का मल्टीप्लाई करेंगे, देखिएगा ज़रा, 15 चौकू 60, हासिल लगा 6, 15 अट्ठे 120 और 6 कितना हो जाएगा 126, हासिल लगा 12, 15 दूनी 30 और 12 हो गया 42। ये तो आपने सीधा सीधा लिख दिया कि 15 12 42, ठीक है कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन अब हमको दशमलव लगाना है तो दशमलव कितने अंक बाद लगेगा साथी, यहाँ पर दशमलव के बाद 2 अंक हैं और यहाँ पर दशमलव के बाद 1 अंक है। जब हम मल्टीप्लाई करवाते हैं दशमलव के बाद कहाँ पर कितने अंक हैं उन दोनों अंकों को जोड़ लेते हैं, यानी कि यहाँ के 2 और यहाँ का 1 आपस में जुड़ जाएगा, कुल मिला के कितना हो जाएगा साथी, आप कहेंगे 3 हो जाएगा, यानी आपका जो मल्टीप्लाई करने के बाद में निकल कर आया है वो 3 अंक बाद उसमें दशमलव लगा दीजिएगा, यानी कि 1 2 3, यानी आपका आंसर आ जाएगा कितना, 4.260, परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा कर रहे हैं कि आपको समझ में आया होगा। देखो अगले सवाल का जवाब दीजिएगा, मल्टीप्लाई में ही है। आप जब एक कैटेगरी का सवाल हम एक बता देते हैं तो आपकी जिम्मेदारी होती है कि उसी कैटेगरी का आप अगला सवाल खुद से लगाएं, फिर उसके बाद वीडियो को आगे बढ़ाएं। 17.8 में मल्टीप्लाई करना है आपको, करके बताइएगा ज़रा कितना आएगा। अब आपको कुछ भी नहीं करना, 17.8 में गुणा करना है 1.8 का। अब 18 का पहाड़ा तो आ ही रहा होगा, थोड़ी देर के लिए दशमलव भूल जाओ, 18 अट्ठे कितना होता है 144, 18 अट्ठे 144, हासिल लगा 12, 18 सत्ते हो जाएगा 126, 126 में 12 को जोड़िए कितना हो जाएगा 126 और 12 138, हासिल लगा 13, फिर उसके बाद में 18 एकम 18 और 13 31, ये 3184 आपका रिजल्टेन आ गया है मल्टीप्लाई करने के बाद में, इनका प्रोडक्ट क्या है वो आया है 3184, लेकिन क्या 3184 हमारा आंसर है, नहीं। कितने अंक बाद दशमलव लगेगा, यहाँ पर 1 अंक के बाद दशमलव है और यहाँ पर भी 1 अंक के बाद दशमलव, तो 1 और 1 को जोड़िएगा साथी कितना हो गया 2, यानी 2 अंक बाद दशमलव लगा दीजिएगा, 3184 आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा कर रहे हैं कि आपको समझ में आया होगा। देखिएगा अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या आएगा, वीडियो ज़्यादा लंबा बनना जा रहा है, अभी आपको मैंने केवल और केवल प्लस और मल्टीप्लाई ही सिखाया है, देखिए ज़रा, देख के बताइएगा कितना आएगा इसका आंसर। हम लोगों ने मल्टीप्लाई सीख लिया, प्लस सीख लिया, अब बताइएगा हमने माइनस कर दिया है, दशमलव का माइनस है ये 1 3 4, इसमें से घटाना है आपको, बताइएगा कितना आएगा। तो कुछ भी नहीं करना होता, जैसे हमने प्लस किया था वैसे ही माइनस करेंगे, यानी 88.2 में माइनस हमको करना है, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाओ और पॉइंट के बाद के जो अंक हैं वो बाद में लिखो, जो पहले के अंक हैं वो पहले लिखो, तो यानी 1 3 4 घटा दो इसको। जब आप घटाएंगे साथी, यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो 0 बढ़ा लीजिए, कितना 2 0 बढ़ा लिए, 1 यहाँ पर और 1 इसके सामने बढ़ा लिया आपने। अब हमारा 0 में से तो 4 जाएगा नहीं, तो हम यहाँ से 1 हासिल लेंगे, 10 में से 4 गया कितना बचा मित्र 6, अब यहाँ थे 10 तो 10 में से 1 चला गया कितना बचा 9, 9 में से आपका 3 जाएगा कितना बचेगा 6, इधर 2 था तो 2 में से 1 चला गया कितना बचेगा 0, कितना बचेगा साथी 0 बचेगा। अब यहाँ पर से तो हासिल हमने ली नहीं थी, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 8 और यहाँ पर आ जाएगा 8, तो आप कहेंगे कि 88.066 आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, बताइए इसका आंसर कितना आएगा। चलिए देखिएगा साथी, आपके सामने घटा का एक प्रश्न यानी घटाओ का प्रश्न दशमलव वाला रखा है, बताइएगा इसका आंसर कितना होगा। मैंने आपको सिखा दिया है कि दशमलव के बाद जितने अंक हैं और दशमलव के पहले के जितने अंक हैं वो अपनी जगह पे रहेंगे, यानी कि दशमलव के बाद का दशमलव के बाद ही रहेगा और दशमलव के पहले वाला दशमलव के पहले ही रहेगा। देखो अच्छा, तो आप कहेंगे कि सर 49 में माइनस 49.064 माइनस हमको करना है 37.2
8, 4, 9 घटाइएगा ज़रा। अभी आप अपने दिमाग से फितूर निकाल दीजिएगा कि दशमलव लगा हुआ। जब भी आप दशमलव क्वेश्चन करें ना तो अपने दिमाग से फितूर निकाल दीजिएगा कि दशमलव नाम की कोई दुनिया में चीज़ होती भी है। तो हमको करना क्या है, देखो यार, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप दशमलव को भूल जाओ। 14 में से कितना गया आपका, 9 जाएगा, बचेगा 5, इधर बचा था 15, 15 में से सॉरी 5 बच जाएगा, 5 में से 4 जाएगा, बचा 1। अब यहाँ पर आपका इधर से एक हासिल लेंगे, वो जाएगा 10, 10 में से 8 गया, कितना बचा 2, फिर उसके बाद में यहाँ पर बचा था 8, 8 में से हमारा गया है 7, बचेगा 1, 4 में से 3 जाएगा, बचेगा 1। तो आप कहेंगे सर 3 अंक बाद दशमलव लगा था, तो 3 अंक बाद दशमलव लगा दीजिएगा, यानी आपका आंसर हो जाएगा 11.215। चलिए अब हम लोग सीखेंगे इसका स्क्वायर कैसे निकालते, देखिए ज़रा। चलिए अच्छा, बेहतरीन सा क्वेश्चन आपके सामने है। हमको करना होता है स्क्वायर का वर्ग। जब हम लोग स्क्वायर का वर्ग करेंगे तो कैसे निकालेंगे, देखिए प्यारा सा क्वेश्चन आपके सामने, बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है। अगर हमको पॉइंट वन का वर्ग निकालना हो तो कितना आएगा, तो आप एक चीज़ याद रखिएगा, वन का वर्ग आपका वन ही होता है, साथ ही एक का वर्ग अगर आप निकालेंगे तो कितना होता है, एक ही होता है। लेकिन यहाँ पर दशमलव के बाद एक अंक लिखा है, जब ये स्क्वायर के बाहर निकलेगा तो दशमलव के बाद दो अंक हो जाएंगे, यानी कि यहाँ पर आपका हो जाएगा 0.01, आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना आंसर हो जाएगा, 0.01 आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए ज़रा, यहाँ पर 0.3 का स्क्वायर निकालना है, तो 3 का वर्ग करिएगा होगा 9। क्या कुछ बच्चे करते क्या है, 0.9 इसका आंसर दे देते हैं। 0.9 इसका आंसर नहीं है, इसका आंसर कितना होगा, दशमलव के बाद एक अंक आपका है, अगर आप वर्ग करेंगे तो दशमलव के बाद आपके दो अंक हो जाएंगे, यानी कि आप कहेंगे कि 0.09 आपका आंसर हो जाएगा, 0.09। फॉर एग्जांपल के तौर पर आप समझिएगा, जैसे कि अगर आप 10 का वर्ग करते हैं, कितना जीरो है, एक जीरो है, इसका जब आप वर्ग करेंगे तो आपका दो जीरो लग जाता है, 100 हो जाता है कि नहीं हो जाता है, बोलिए यार। जैसे आप 20 का वर्ग करते हैं, साथ ही जीरो कितना है, एक है, जब स्क्वायर के बाहर निकाल दें तो दो जीरो हो जाती है, देखो ना, इसका आंसर हो जाता 400। उसी प्रकार जब हम दशमलव का स्क्वायर करते हैं, अगर दशमलव के बाद एक अंक है तो दशमलव के बाद दो अंक हो जाते हैं। आशा कर रहे हैं कि आपको हमारी बात समझ में आई होगी। देखो अगला क्वेश्चन बताइएगा इसका आंसर कितना होगा। जैसे ये 0.12 है, इसका जब आप स्क्वायर करेंगे तो आएगा 144। कितना आएगा, 144। 12 का तो स्क्वायर कंफर्म है कि 144 ही आना है, 144 ही आना है। लेकिन साथ ही होता क्या है, अब दशमलव के बाद यहाँ पर कितने अंक थे, आप कहेंगे कि सर दशमलव के बाद दो अंक थे। जब दशमलव के बाद दो अंक होंगे, जब बाहर निकलेगा तो दशमलव के बाद कितने अंक हो जाएंगे, आपके चार अंक हो जाएंगे, यानी 144 हो गया है। और यहाँ पर एक जीरो लगा दीजिएगा, 0.144 आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद कर रहे हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे अगर हमको 0.15 का स्क्वायर है या 0.15 का वर्ग निकालना है, तो आप 15 का वर्ग लिखिएगा, कितना आया, 225 आया है। लेकिन यहां पर दशमलव के बाद दो अंक थे, जब इसका स्क्वायर टूटेगा तो चार अंक हो जाएंगे, यानी कि 0.225 आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा कर रहे हैं आपको समझ में आ रही होंगी ये चीजें। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं। ये तो था वर्ग, अब निकालेंगे वर्गमूल। देखो अच्छा कैसे करेंगे उन सवालों को। चलिए देखिए, अच्छा जैसे मैंने आपको ये एक लिख दिया है 0.0025, मैंने ये लिखा है 0.0025। अब बताइएगा इसका आंसर कितना होगा। देखिए आप वीडियो को रोकिएगा, उसके बाद जवाब दीजिएगा। मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ उसके चार। पहला ऑप्शन है आपका 0.5, दूसरा ऑप्शन है आपका 0.005, तीसरा ऑप्शन है आपका 0.05 और चौथा ऑप्शन है आपका 0.005। यानी ये तो सेम ऑप्शन है, एक और जीरो बढ़ा लीजिएगा। बताइएगा इसका आंसर कितना होगा। अब आप एक चीज़ याद रखिएगा, दशमलव के बाद यहाँ पर अंक कितना है, देखिएगा जरा, दशमलव के बाद यहाँ पर चार अंक हैं। कितने अंक हैं, चार अंक हैं। जब इसका हम स्क्वायर तोड़ेंगे तो दशमलव के बाद आपके दो अंक रह जाएंगे, यानी कि इसका दो अंक रह जाएगा। 5 का वर्गमूल होता है 25 का वर्गमूल होता है 5, लेकिन दो अंक बाद दशमलव लगेगा, यानी कि 0.05 आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। किस वाले ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा कर रहे हैं कि आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। चलिए अगले क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। जैसे मैंने ये लिखा है 0.00064, बताइएगा जब हम इसको स्क्वायर के बाहर निकालेंगे तो कितना निकल कर आएगा। आप वीडियो को अपने मन से लगाइएगा, फिर उसके बाद देखिएगा आपका आंसर हमारे आंसर से मैच हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। देखो यार, दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 2, 2, 4, 2, 6, तो 8, 64 का वर्ग होता है 8, अंत में तो कन्फर्म है 8 आना है।
लेकिन ये दशमलव के कितने अंक बाद आएगा, तो आप कहेंगे यहाँ पर टोटल सर जी 6 है, तो दशमलव के बाद 3 अंक बाद आ जाएगा, यानी 0.008 आपका हो जाएगा। आशा कर रहे हैं कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। चलिए अगले का आंसर आप लोग दीजिएगा, बताइएगा। जैसे मैंने ये क्वेश्चन लिख दिया आपके लिए, बताइएगा जरा, एक और क्वेश्चन लिख दे रहे हैं आपको, बताइएगा जरा। अच्छा, इसका आंसर कितना आएगा? अब आप देखेंगे कि 1.21, आपको पता है अगर हम दशमलव को हटा दें तो ये 11 का वर्ग आपको दिख रहा है। किसका वर्ग दिख रहा है? 11 का वर्ग है, कन्फर्म है कि 11 आएगा ही आएगा। लेकिन दशमलव के कितने अंक बाद, दशमलव के कितने अंक बाद अंक लगना है? आप देखेंगे कि यहाँ पर दशमलव के बाद 2 अंक हैं, तो दशमलव के बाद 1 अंक रह जाएगा, यानी कि 1.1 आपका आंसर हो जाएगा। ये 16 का वर्ग होता है, दशमलव के बाद 1 अंक रह जाएगा। ये 15 का होता है, तो 1.5 आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद कर रहे हैं कि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी, आशा कर रहे हैं कि ये चीज़ें आप समझ पा रहे होंगे सही से। चलिए अगला सवाल देखिएगा आप लोग, बताइएगा इसका आंसर कितना होगा। आप लोगों के सामने बहुत बेहतरीन से दो से तीन प्रश्न दिए गए हैं, बताइएगा ज़रा इनके कितना आंसर आएगा। देखो यार, आपके सामने ये प्रश्न दिया गया है कि 0.0 के बाद कितने अंक हैं। पहले तो आपको ये देखना है कि 900 कितने का वर्ग होता है। आप कहेंगे सर जी 930 का वर्ग होता है, लेकिन ये स्क्वायर के अंदर है तो बाहर आएगा रूट के, तो कितना हो जाएगा? 30। यानी कि अंत में आपका कंफर्म है कि 30 आना है। कितना आना है? 30 आना है। लेकिन दशमलव के बाद कितने अंक हैं? 3 यहाँ से, 3 यहाँ से, टोटल कितना हो जाएगा? 6 अंक हो गया है। तो दशमलव के बाहर जब निकलेगा, सॉरी रूट के बाहर जब निकलेगा, तो दशमलव के बाद 3 अंक होंगे। आशा कर रहे हैं आप ये वाली बात हमारी समझ गए होंगे। इसका आंसर जो आएगा वो 0.30 आएगा। इस वाले को देखो ज़रा, दशमलव के बाद इसमें 8 अंक हैं, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8। ये 625 का वर्ग होता है, तो लास्ट में कन्फर्म है बेटा 25 तो आना ही आना है। लेकिन 4 अंक बाद आएंगे 25, ये ठीक है, तो 0.0025 आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद कर रहे हैं कि आप समझ गए होंगे। अब हम लोग नेक्स्ट लेवल पे चलते हैं, जब आपका स्क्वायर दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि इनका जोड़ कितना होगा। देखो ज़रा, है ना, बताएंगे आप लोग, देखिए इसका आंसर कितना आएगा, बताइए। आप कहेंगे कि सर 0.1 + 0.1 का स्क्वायर को अगर हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा? तो आप देखिएगा, हम इस चीज़ को ऊपर लिख रहे हैं। आप कहेंगे ये तो 0.1 ही रहेगा, 0.01। लेकिन जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो आपको याद हो दशमलव के बाद 2 अंक हैं, जब इसका स्क्वायर हो जाएगा इस वाली चीज़ का, तो आपका निकल के आएगा 0.1, लास्ट में 1 आएगा, लेकिन कितने अंक बाद आएगा? 4 अंक बाद आएगा। कितने अंक बाद? दशमलव के 4 अंक बाद आएगा, ठीक है कि नहीं? तो हम करेंगे क्या, इसमें इसको जोड़ना था, दशमलव 0.001, यानी कि आप इसमें इसको जोड़ दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ से आएगा साथी 1, यहाँ से 0, यहाँ से आपका कितना हो जाएगा 1, और यहाँ से 0, यानी कि दशमलव 0.0101 आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर से एक बार समझ लेते, बहुत बढ़िया सवाल है। यानी 0.1 में आपको जोड़ना था 0.1 का स्क्वायर, तो 0.1 को आपने पहले लिख लिया, ठीक है मित्र। अब 0.1 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होना है, दशमलव के बाद 2 अंक हैं, जब आप इसको खोलेंगे इसका स्क्वायर करेंगे तो दशमलव के बाद 4 अंक हो जाएंगे। यानी ये वाली वैल्यू मैंने यहाँ पर लिख दी, 0.0001 + 0.01। जब आप इनको जोड़ेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 0.0101, परफेक्ट आंसर हो जाएगा। सेम ऐसा ही सवाल आपका नीचे वाला है, बताइएगा इसका आंसर कितना आएगा। उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में आया होगा, और ये वाला सवाल आप खुद से लगा लेंगे। देखिए ज़रा, 0.8 लिख लिया आपने। अब 0.5 का स्क्वायर करना है, तो आप इसका जब स्क्वायर करेंगे साथ ही, तो लास्ट में 25 कन्फर्म है आना है, 5 का वर्ग करेंगे। दशमलव के बाद 2 अंक हैं, तो दशमलव के बाद आपके 4 अंक हो जाएंगे, यानी कि 0.0025 आपका हो जाएगा। इसमें जोड़ दो इसको, दशमलव के बाद जितने अंक हैं, दशमलव के जितने पहले अंक हैं, आमने सामने रख कर उनको लिख देंगे, यानी 0.025। अब इनको जोड़िए ज़रा, कुछ भी नहीं, तो यहाँ पर 0 मान लीजिएगा, यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 5, यहाँ पर आपका हो जाएगा 2, मिटा ही दो तो ज़्यादा बढ़िया है, सरदर्दी होगी आपके लिए, 2, 5, यहाँ पर 8, और यहाँ पर 0। तो आप कहेंगे कि 0.0825 आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा कर रहे हैं कि ये वाली चीज़ आपको समझ में आई होगी। और कोई सवाल बचा हुआ है क्या आपका? देखिए ज़रा,
हम आपको और दो सवाल बता दे रहे हैं, फिर इस वीडियो को समाप्त करते हैं। देखिए ज़रा, चलिए बताइएगा इन सवालों का आंसर क्या होगा। आज की क्लास के ये अंतिम दो सवाल हैं। देखो भाई, अब हमको पता है कि जब हम स्क्वायर खोलेंगे तो यहाँ से दशमलव के बाद दो अंक हैं तो आपको मिलेगा 0.1। कितना मिलेगा? 0.1। ऊपर नीचे लिख लेंगे, यहाँ पर दशमलव 81 है तो आप कहेंगे मिलेगा हमको 0.9, ऐसे कर लीजिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में ये 121 है, दशमलव के बाद दो अंक हैं तो ये हो जाएगा 1.1। कितना हो जाएगा साथी? 1.1। जब आप इसको तोड़ेंगे तो ये आएगा 11, दशमलव के बाद दो अंक हैं, रह जाएगा दशमलव के बाद एक अंक, यानी ये आपका हो जाएगा 1.1। अब आप इनको जोड़ लीजिएगा, आसान भाषा में जोड़ पाएंगे। देखो ज़रा, 9, एक 10 और एक 11, कितना हो गया? 11 हासिल लगा, एक, तो यहाँ से हो जाएगा एक और ये वाला एक, टोटल हो जाएंगे 2.1। एक में एक जुड़ जाएगा वो वाली हासिल, तो हो जाएगा आपका 2.1। आशा कर रहे हैं कि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर ये चीज़ें समझ में आ रही हैं, जितने भी साथी हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जो है ना, जितने भी बच्चे देखते हैं वीडियो को, जितने भी साथीगण हमारे वीडियो को देखते हैं, वो सभी लोग क्या करेंगे, वीडियो देखने के बाद में आपको कैसी वीडियो लग रही है, अच्छी लग रही है, ख़राब लग रही है? अच्छी लग रही है तो लाइक करिएगा और साथ में कमेंट करिएगा। अच्छी अगर नहीं लग रही है तो आप डिसलाइक कर दीजिएगा, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। जो भी स्टूडेंट नया जुड़ता है वो क्या करेगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा। देखिएगा ज़रा, यहाँ से इसको जब तोड़ेंगे आप, तो आप कहेंगे कि ये 0.8 हो जाएगा, यहाँ पर ये 225 है, 1.5 का हो जाएगा। बहुत सारी चीज़ें समझा दी हमने, 0.09 है तो ये 0.9 हो जाएगा। अब आप इनको जोड़िएगा ज़रा, आप कहेंगे सर 9, 5, 14 और 8 कितना हो जाएगा? 8, 4, 12, यानी कि 22 हो जाएगा। हासिल लगा, 2, दशमलव लगा दीजिएगा, 1 और 2 कितना हो जाएगा? 3, यानी 3.2 आपका आंसर हो जाएगा। आशा कर रहे हैं आपको आज की वीडियो हमारी समझ में आई होगी। तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, फिर उसके बाद मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद साथियों।